सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ पोकेमॉन एक्स। तो पिछले वीडियो में हमने एनिस्टर जिम बैटल की थी और हमें हेलो क्लिप रिसीव हुई थी लिसांड्रे की, जो उसने बताया था कि वो पूरे जो वर्ल्ड है उस पर मतलब उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं अल्टीमेट वीपन से। सो अल्टीमेट वीपन की खोज में हम आ चुके थे ल्यूमिनोसिटी में उसकी हिडन लैब है जो हमें उसका हमने डोर अप पिछले वीडियो में हमने ओपन किया था, जिसका पासवर्ड हमने इस बंदे से लिया था। तो आज हम जाने वाले उसी जगह पे, तो चलते हम। ओके, सो ये रहा लिसांड्रे। ओके वेलकम। ओके दैट इज, सो हमें नहीं चाहिए, एक्चुअली नहीं चाहिए, सो मीन द बैटर से मेरे हिसाब से इसके पास 11 डोज हो गया, क्योंकि इसके पास एक 11 डोज था जो इसका मेरे हिसाब से मेन पोकेमॉन था, 11 डोज ही उसका। ओके मीन थे इसके पास, सो लेट्स सी कितने लेवल का उसका। ओके 45 का है उसका, सो ड्रैगन क्लॉ से जलते हैं मेरे पास। ओके स्वर डांस ठीक ही है। सो लेट्स सी कितना डैमेज है उसका। ओके सो 1 हिट क्यों हो चुका है वो, हमारा डैमेज इम्प्रेसिव है, बहुत ज़्यादा डैमेज है हमें, मतलब हम दे सकते हो। 11 डॉस के लिए हमें किसको डालो, हॉरस को डाल देते अभी। लेट्स सी। ओके ये रही हॉरस। ओके 49 का है उसका, मुझे लगा ही था क्योंकि इसका मेन पोकेमॉन है, सो थंडरबोल्ट से चलते हैं अभी। ओके आयरन हेड यार। ओके बच गए यार, बच गए मेरे सबसे, मर जा यार, नहीं मरा वो। ओके पैरालाइज तो हो चुका है अभी, सो मुझे शायद से स्विच कर लेना चाहिए अभी। ओके गैराडोस, गारिचॉम पे डाल देता हूँ मैं अभी, क्योंकि मुझे गैराडोस मतलब हमारे जो गैराडोस है उसको मैं मतलब फाइनल तक नहीं रखूँगा, मुझे वेता जब मिल जाएगा तब उससे स्विच कर दूँगा मैं अभी। ओके क्रंच से चल दिया अभी, लेट्स सी मेरे हिसाब से मर जाने के वो। ओके या मर गया वो, नहीं वेता भी बहुत अच्छा पोकेमॉन है, मतलब लेजेंडरी है पर वो अलग ही पोकेमॉन है कुछ भी बोलो। ओके हाइड्रोपम्प से, हाइड्रोपम्प क्लियर की जगह पर दे देते हैं अभी, वही सही वो। हाइड्रोपम्प भी बहुत अच्छे मुए पर यार उसकी एक्यूरेसी बहुत कम है यार, वो कभी कभी रखते हैं कभी कभी नहीं रखते हैं। ओके मुर्क्रो के लिए रहने दो अभी, मुझे गारिचॉम्प की लेवल भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है एक्चुअली, कि हमारा गारिचॉम्प इतना स्ट्रांग नहीं है, 48 का ही है खाली, जो बहुत कम होता। ओके दैट इज क्लोज बट लेट्स सी। ओके 1 हिट के वो, दैट इज ग्रेट। सो मेरे हिसाब से अभी ओके क्रिंज हमारा 56 का हो चुका है, हिज नहीं चाहिए मुझे एक्चुअली, हिज से क्या ही करूँगा मैं। ओके सो हमारा क्रिंज एक्चुअली फिजिकल टाइप में है पर वही तो दिक्कत है ना, क्योंकि फिजिकल टाइप मूव्स मेरे पास बहुत कम है एक्चुअली, क्योंकि मेरे पास कौन से मूव्स है, वाटर शुरू के एक फिजिकल टाइप में आता है, वाटर प्लेज भी स्पेशल अटैक टाइप है, और एक मेरे पास कौन सा तो अटैक है, या सब था मेरे पास, सब भी एक क्या बोलते स्पेशल टाइप अटैक ही है। अरे ये तो दिक्कत है क्योंकि ग्रिंजा के पास कुछ इफेक्टिव फिजिकल अटैक टाइप मूव नहीं है, मतलब वाटर टाइप के। सो लेट्स सी। ओके तो डिसेंट्रिक को तो हमने हरा दिया अभी। ओके यू हैव टू स्टॉप मी, आई सी
I tried to save the people and the world within the profit from this lab, but my efforts had no effect. The world was just too vast, it was too full of the fools that I could not save through my hard work alone. Okay, so मतलब इसको world को save करना था पर इसका mind change हो गया अभी. Okay, elevator key, one of the team test scientist. You have to meet on your journey, has it? Okay, so मतलब हमें इसके lab को पूरा एक बार सर्च करना पड़ेगा और उसकी elevator की ढूंढनी पड़ेगी अभी. So अब हम चलना चाहिए अभी शायद से. Okay, so puzzle है ये पूरा का पूरा. यहाँ पर से चलते हैं. ओके सो यहाँ पर एक और एक बंदे से फाइट करनी पड़ेगी हमें. हाँ मैंने हेल करना भूल गया अभी. सो ओके स्वैलूट है उसके पास. ओके ठीक है ना स्वैलूट गार्डचॉम. ओके और गार्डचॉम के लेवल मतलब एचपी कम है पर भी दी गए हमारे पास स्टॉक पाइल. उसने मुझे मेरे सबसे मैचो ब्रेस इससे हटा देना चाहिए अभी. हमारा इवॉल्व तो हो चुका है पर हमारा स्पेशल अटैक बहुत कम है. स्पेशल अटैक एंड स्पेशल डिफेंस स्टॉक पाइल से मेरी सबसे. ओके स्टॉक पाइल टू डिफेंस इंक्रीज स्पेशल डिफेंस इंक्रीज. ओके दैट इज इम्प्रेसिव. उसने मतलब सस्टेन कर लिया अभी. ओके रेजिंग इंक्रीजिंग को डाल देता हुए कि मेरे हिसाब से मुझे रिस्क नहीं लेना है अभी. नहीं तो फिर से मुझे जाना पड़ेगा पोकेमॉन सेंटर में. ओके स्टॉक पाइल थ्री उसका हो चुका है अभी. सो लेट्स गो विद एक्स्ट्रा सेंसरी. मेरे हिसाब से मर जाने थे वो. यार बच गया यार स्वेलो. ओके दैट इज इम्प्रेसिव. ओके पर अब ठीक उसे कुछ नहीं पड़ेगा पड़ेगा हमें. मेरे हिसाब से अब पूरा का पूरा मर जाना चाहिए वो. लेट्स सी नहीं बच गया यार ये. ओके स्टॉक पाइल फिर से उसने यूज किया पर इस बार नहीं बचेगा वो. ओके सो वन मोर टाइम एक्स्ट्रा सेंसरी. लेट्स ओके इस बार तो पक्का मरेगा वो. या सो मैं अब हील कर देता हूँ. मेरे पर सब जो पोकेमॉन्स पिछले बैटल में इंजर्ड हुए थे उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे. ओके सो हील कर देते अभी. ओके सो मेरे से बैग में मेरे से मैंने परचेस किए थे यार. ओके एम्बोमोसाइड आइसरॉक डॉन पिन ये नहीं चाहिए मुझे. हीलिंग पोशन यहाँ पर हो गया. ओके सो वो पोशन है मेरे पास. इसो और कैसी तैसी हो चुकी है अभी उसको ही पहले हेल कर देते हैं. अभी बहुत पड़े मेरे पास. ओके चार हजार को भी हेल करना पड़ेगा अभी. तो गारिचॉम को भी. ओके सो दैट मेरी सुनिए यार. ओके इतना काफ़ी है. जम से मैं आइटम टेक कर देता हूँ अभी. ओके उससे देता हूँ मेरे पास पड़ा होगा बैग में और लेट होती है वो. तो यहाँ पर नहीं वो साइड पे शायद ऊपर की तरफ है यार. फ्लैश प्लेट नहीं यार ग्राउंड टाइप की थी वो. ओके और प्लेट या और प्लेट देते हैं गाड़ी चॉप को. और मुझे और उसको भी देना था प्लेट. ओके आइटम गिव. मेरे हिसाब से कौन सी थी प्लेट. ओके जैप प्लेट या इलेक्ट्रिक टाइप. ओके उसके पास थंडर बोल्ट है वो मुझे चाहिए एक्चुअली. सो स्विच कर देते यार मैं भूल गया यार स्विच करना पोकेमॉन को. ये रे सुप्रिंजिया को डाल देता हूँ मैं फर्स्ट पे. और हम चलते अब आगे की तरफ. इस वहाँ आ चुके इस टाइप का. ओके इससे भी बैटर करने पड़ेगा हमें.
Okay, so that is fascinating. You should learn from the Kalos power plant. Okay, so ये Kalos power plant में हम मिल रहे थे अभी से. Let's see उसके पास. Okay, mighty है ना उसके पास. Mighty है ना के लिए. अरे ना दो अभी. इसे कुछ ज़्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा. हमारे कोई क्लिनिक जाए तो. Okay, intimidate ability. Okay. So सर्प से चलते अभी. ओके और उसको डाल लेता हूँ मैं अभी. ड्रूडीवॉन किस टाइप का पोकेमॉन है यार, याद तो नहीं मतलब मेरे हिसाब से. जिस टाइप का नाम है मेरे हिसाब से लग रहा है कि वो फाइटिंग या फाइटिंग नहीं सॉरी ड्रैगन टाइप ही होगा. लेट्स सी और अभी उनसे चलते शायद पता चलेगा हमें कौन सा टाइप का पोकेमॉन है वो. ओके ड्रैगन टाइप ही हो. ड्रैगन क्लॉ, ड्रैगन क्लॉ से मेरे हिसाब से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमें. या सो आइस वन से चलते अभी क्योंकि हम ख़त्म कर सकते हो भाई. या वो तो वही गया अभी पूरा का पूरा. ओके सो इसको तो हमने हरा दिया अभी. I don't have the key, but I will let you pass. But which wall panel would it be? Which one could it be? Okay, so मतलब हमें इन दोनों में से choose करना है. मतलब एक येलो वाला एक ये और ग्रीन वाला. येलो ऐसे चलते हैं भाई, कुछ डिफरेंट शायद होगा. नहीं ये तो हमारा कट गया भाई अभी. Okay, so हमें ग्रीन वाला choose करना चाहिए था. It is okay. गलती होती है भाई क्या करे. ऊपर की तरफ चलते हैं अभी. ओके सो हम आ चुके ऊपर की तरफ. इस बंदे से फाइट करनी पड़ेगी. मेरे सबसे मैं अवॉइड कर सकता था पर क्या करे कि उसके पास कौन से स्पेशलिटी है. ठीक है ओके हमारे ग्रीनिंग है हमारे पास. 45 का है उसका. लेट्स सी हम उसको क्यों कर सकते हैं. वन हिट क्यों करने वाला है. एसिड स्प्रे इससे डैमेज कितना होता है तो खाली पॉइजन मत हो. ये सो लेट्स गो विद वन मोर एक्स्ट्रा सेंसरी. मेरे सब एक्स्ट्रा सेंसरी फिजिकल मतलब स्पेशल टाइप का है. नहीं तो पूरा का मर जाता है. ओके लोकल में हमारा 57 का हो चुका है. राइट पे 49 का हो चुका है. दैट इज ग्रेट. ओके लिपर है उसके बाद लिपर के लिए लोकल को डाल देता हूँ मैं भी. लोकल भी सही है उसके पास मतलब हमारे लिए. उसमें मुझे शायद से जाना चाहिए. सो ये रहा डोर. ये सो ये दोनों तो प्रोटेक्टर से ना. या जो हमें पिछले बार भी हमने मतलब हमें मिले थे. वेलकम फॉर द रियली टॉल गाय. आई मीन ओके बहुत ही ज़्यादा बड़ा है वो. इज रिलेशन टू टीम प्लेयर इज स्टिल मिस्टरी. बट बाय द वे आई गॉट समथिंग फॉर यू. टेक दिस वीडियो. ओके रिव्यू थे उसमें. दैट इज कूल एक्चुअली क्योंकि हमारे पास नहीं थे. ओके वी मीट सम टाइम आई गो. बट आई डोंट गेट योर नेम देन. आई नेवर हर्ड योर नेम बिफोर नॉट वंस. ये कुछ मतलब समझ में नहीं आया कुछ. ओके प्रोफेसर उनको मेरा नाम क्यों नहीं बताया समझ नहीं आया कुछ. ओके हम भी प्रोफेसर के लिए काम करते हैं अभी. ओके सो ऊपर की तरफ से हम नहीं जा सकते. सो नीचे की तरफ से जाना पड़ेगा हमें. सो इस बंदे से बैठे करने पड़ेगा. ओके सो लेट्स उसके पास कौन सा पोकेमॉन. ओके लिपर्ड है उसके पास. सो लिपर्ड के लिए यार मैं अब स्विच तो नहीं करूँगा अभी. रहने दो सबसे चलते अभी. ओके सो लिपर्ड को तो हमने हरा दिया अभी. और एक पोकेमॉन था उसके पास. सो लेट्स उसका सेकंड पोकेमॉन माइटेन है उसके पास. माइटेन के लिए फुकर को डाल देते हैं. ओके माइटी है ना डायरेक्ट है ना. सो 44 का ही
और लेटे विद रॉक स्मैश। एंड इनकी लेवल बहुत कम है यार, इतनी बोलो ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन कितने हो गए, 57 या 56? 57 का है मेरे हिसाब से, मैंने भी 57 का है। सो ओके, गैराडोस हमारा 42 का हो चुका है, दैट इज गुड। सो इसको तो हमने हरा दिया, अभी हमें कंटिन्यू करना चाहिए। अभी साइंस से इस तरफ से कुछ है क्या? या इस तरफ से, इस तरफ से रास्ता तो है। ओके, सो ये बंदा ऐसे फाइट करने बढ़े हुआ। ओके ये क्या अलग है यार, मतलब टीम प्लेयर के बंदे में टीएम दे रहे हैं, मतलब टॉन्ट से दे रहे हैं बस, कुछ नहीं पर टीएम दे रहे यार, सही है। ओके रिव्यू देखने, मतलब रिव्यू मिले हमें, दैट इज ग्रेट। ऐसा आइटम हमें मिलने चाहिए अभी। यूट्यूब का टीम प्लेयर ऑसम सूट, आई डेंट वॉन्ट टू इट ऑल रिकॉर्डिंग बैक। सो इसे लग रहा है कि हम टीम प्लेयर के बंदे हैं, सही है, चलने दो। कैसे ऊपर की तरफ जाने तो हम तो करके वहाँ पर ही आ गए अभी घूम फिर कर। सो इस तरफ से जाना पड़ेगा, नीचे की तरफ है। ओके नीचे की तरफ नहीं यार, वही तो वहाँ पर से तो हम आगे आ चुके थे यार। कितने से बैटल करने पड़ेगा यार, कितने है यार ये। ओके हॉल्ड ऑन है उसके पास, आपको वर्ड प्ले से चलते अभी, बहुत देर से वर्ड प्ले को यूज नहीं किया था। ओके टॉक्सिक रॉक के लिए रहने दो यार, टॉक्सिक रॉक किस टाइप में, पॉइजन फाइटिंग है ना, मतलब पोटेंट डैमेज होगा साइकिक टाइप अटैक का। सो दैट इज ग्रेट। सो एक्स्ट्रा सेंसरी से चलते अभी, नहीं सबसे काफ़ी होगा एक्स्ट्रा सेंसरी। या वन मोर डेड हो गया अभी। ओके चार चार भी हमारा 59 का हो चुका है, चार चार की लेवल बहुत ज़्यादा ही कुछ लेवल अपने हो रहा है वो, देख लेंगे उसे भी। सो उससे पहले हमें जाना चाहिए किस तरफ, जाना चाहिए नीचे की तरफ, और एक बार ट्राई करके देखते हैं। सो हम अरे रॉन्ग हो, सो ऊपर की तरफ भी जाना पड़ेगा हमें। सो इस तरफ से जाना चाहिए हमें शायद से, ठीक है। सो कितना भाई घूमेगा भाई, बस कर। सो इस तरफ ही शायद से रास्ता है ये, ऊपर की तरफ क्या कर देते हैं, अरे रूम है यहाँ पर यार, वो फंसे ले क्या ऊपर, अरे क्या कर रहे यार तुम दोनों पागल हो क्या। तो उसके पास मैनेज ट्री है, सो चेंज कर लेते अभी, गाड़ी से हमको डाल लेते अभी। ओके मैंने ट्रिक एक इलेक्ट्रिक टाइप का कमाने, सो इट इज नॉट गुड फॉर निंजा एक्चुअली। थंडर वेव, ओके थंडर वेव इफेक्ट नहीं होता है या कि शायद पैरालाइज हो जाएगा, बट दैट इज ग्रेट। फ्लेम थ्रोअर यार, वो पूरा पूरा इलेक्ट्रिक टाइप का कमाने, मतलब प्योर इलेक्ट्रिक टाइप का कमाने था यार, फायर टाइप वो यार, स्टैटिक यार, ये दिक्कत देना है यार इलेक्ट्रिक टाइप का कमाने की, ऐसा ही होता है मेरे पास मतलब। ओके ट्रैपियन किस टाइप का कमाने, लेट्स स्किप ड्रैपियन यार, ये बंदर कहाँ से आया यार ये। सो लेट्स स्विच टू ग्रीनिंजा, यार ये पूरा पूरा बग बग टाइप एंड पॉइजन टाइप है यार ये। नाइट स्लैश, नाइट स्लैश से हमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। सो एक्स्ट्रा सेंसरी से चलते अभी, व्हाट यार मेरा कितनी एक्स्ट्रा सेंसरी वर्क हो जाएगा, पर कुछ नहीं हम चार लाइट को डाल देते अभी, ये बग टाइप है ना। सो फ्रेंड से उसको जगह देंगे अभी, मैक्स इधर से कुछ नहीं होगा बच्चे, चार हजार हो। सो प्लेन थ्रो से चलते, प्लेन थ्रो मेरे सबसे काफ़ी हो जाना चाहिए उसके लिए, लेट्स सी। ओह दैट इज इंप्रेसिव, बच गया भाई, आई यू 10 मार्क्स फॉर दैट। ओके चार हजार का मतलब पूरा पूरा 10 लेवल से ज़्यादा के ऊपर हमारा डिफरेंस है, फिर भी वो बच गया। ओके और 54 का हो चुका हमारा। और एक बंदे से मेरे हिसाब से हमें बैटल करनी है अभी, या ओके ड्राइव नहीं उसका नाम है, लिपड़ है उसके पास। सो लिपड़ के लिए सर्च से जल्दी अभी, ओके बाई शार्क के लिए 4000 को डाल देता हूँ अभी, ओके बाई शार्क किस टाइप का यार ये
स्टील टाइप एंड फाइटिंग टाइप था क्या? स्टील टाइप तो था ही ना, पर फाइटिंग टाइप देख तो याद नहीं। रेन बॉल से जल्दी में सुकुरा का पूरा डेट। अरे चार्जर की पावर बहुत है यार, मतलब हमारे जो चार्जर है उसका नेचर भी बेस्ट है, मैंने सर्च किया था। और हिसाब से जॉली नेचर कहना हमारा चार्जर, सो जॉली नेचर में हमारा स्पेशल अटैक बहुत पड़ जाता है, क्योंकि हम पोकेमॉन वाई कर रहे हैं तो हमारे पास चार्जर वाई है, सो उसका मतलब स्पेशल अटैक है। और जब हम मेगा वॉल कर रहे थे उस पर से उसकी वजह से उसका स्पेशल अटैक और भी बढ़ जाता है, सो दैट इज मतलब जैकपॉट है हमारे लिए वो। ओके सो मतलब उस पोकेमॉन मतलब उनका टीम की जो क्या बोलते हैं उसे प्लान है उसके ऊपर उसके उसके बारे में हमें बोल रहे थे, मतलब कुछ बता रहे थे। सो ये क्या है, कैन दिस स्टोन रियली यूज टू एब्जॉर्ब पोकेमॉन एनर्जी? मुझे लगता है कुछ पॉसिबल टाइप का ये स्टोन है यार ये। ओके सो मेरे हिसाब से हमें कहाँ पर जाना चाहिए था यार? सो हम पिछले बार उस साइड पर गए थे ना, हमें बैटल की थी ऐसे नहीं की थी। ओके इसके पास भी मैंडेटरी है यार, कितने उनको पास मैंडेटरी है यार। इस मैंडेटरी के लिए और फिर से अभी क्या है गाड़ी चौक में हिल करना भूल जाता हूँ यार, क्या है मेरी आदत, आदत का क्या करें। ऑर्डर स्लिप क्या होते हैं मतलब अभी तक ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया ऑर्डर स्लिप क्या होते हैं। बाइट मैं सबसे मर जाना चाहिए वो पूरा पूरा या ओके जिन्हें अभी हमारा 58 का हो चुका है। ओके स्क्रैपी हो उसके पास, स्क्रैपी के लिए चार्जर को डाल देते हैं। ओके सो स्क्रैपी एयर स्लैश से करते हैं अभी, ये मुझे फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा यार, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब पूरे बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसकी लैब भी बहुत बड़ी है। सो इसके जो मेंबर्स हैं मतलब टीम मेंबर्स उनसे भी बैठे तो नहीं पड़ेगा हमें, सो बहुत बड़े बड़े हो जाएगा ये भी। सो लेट्स सी मुझे किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ यार अभी चलते हैं देखते हैं यार, मैंने फिर से रॉन्ग टर्न ले लिया अभी। ओके सो इस बार चलेंगे इस साइड से यार, एक बार ट्राई करके देखते हैं। सो हम यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर क्या है? ओके यहाँ पर एक वार्प है उस पास, यहाँ पर कुछ तो पड़ा है अभी। ओके ब्लैक ग्लासेस, सो इससे पहले हमें पोकेमॉन फिल करने चाहिए अभी तीन क्या। ओके यहाँ पर गैरिस्टो, यस मैंने सबसे मेरे बाइक किए तो ओके फुल पाँच ही है मेरे पास। ओके सुपर पोशन यार ऐसे नहीं यूज करना है, रिस्टोर सुपर पोशन। सो मैं क्लिंगर के लेवल तो फूल हो चुकी है अभी, मतलब एक्चुअली फूल हो चुकी है, ऊपर की तरफ चलना चाहिए था। यार कितने बंदे यार इनके, बहुत ही ज़्यादा यार यहाँ पर, मतलब हर एक के पास दो लोग पोकेमॉन है यार। तो ओके इसी बात से माइट लेना है उसके लिए। सो वाटर प्लेस से चलेगा, वाटर प्लेस से चलते हैं अभी क्योंकि सर खाली में वेट हो जाएगा। तो बच गया भाई ये, मुझे लगा पूरा कमरा मर गया यहाँ पर, बच गए 43 का यार वो, बच कैसे गया? ओके अब मर गया भाई। ओके लुक अभी हमारा 58 का हो चुका है, टॉक्सिक रॉक के लिए रहने दो, 45 का है उसका, और एक्स्ट्रा सेंसरी से चल जाए अभी तो खाली में। ओके सो टॉक्सिक रॉक को तो हमें हरा दिया भाई। सो ये रहा मतलब इसको तो हमने हरा दिया अभी, यहाँ पर चलते हैं अभी। सो आ चुके अनदर साइड पे, मतलब ऊपर की तरफ आ चुके अभी, इस साइड पे कुछ है क्या? या कुछ तो है ऊपर की तरफ। ओके रेयर कैंडी हो गया हमें, मेरे पास कितनी पड़ी अभी? मेरे से अभी 4 तो पड़ी होगी मेरे हिसाब से, 4 या 5। सो इस साइड पे चले क्या? हम आ चुके हैं या हम आ चुके अभी। ओके वो साइड पे कैसे हम जा सकते अभी? ओके सो और एक फिर बंदे से हमें फाइट करनी पड़ेगी अभी। अरे पूरा को उसने मेजे ने मेरा दिमाग खा रखा है अभी। ओके गोल बैट है उसके पास, गोल बैट के लिए। ओके सो हमारे ग्रेंजर तो फुल है ना,
एक्स्ट्रा सेंसर से चलते अभी। ओके बच गया भाई, आई डोंट नो हाय। ये सो वाटर शुरू करने से चलते अभी, कि उसकी थोड़ी सी एच पी बाकी है ना, सो गोल बैट को तो हम यार दे अभी। अच्छी खासी मतलब एक्सपी फार्म हो चुकी है हमारी। ओके सो इस साइड से हमें ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। सो इससे भी फैटर बैटर करना पड़ेगा यार, इसके पास भी दो है यार। ओके टॉक्सिक रॉक ही है उसके पास, अच्छा हुआ। टॉक्सिक रॉक को हरने में मतलब बहुत दिक्कत नहीं आती है। सो लेट्स गो, देखते हैं उसका खेल खत्म। टॉक्सिक रॉक तो हमने हरा दिया, उसके पास और एक पोकेमॉन था। ओके लिपर्ड है उसके पास, लिपर्ड के लिए मैं लुका रुको डाल देता हूँ अभी। सो ये रही लिपर्ड 44 के उसके। सो रॉक्स में ऐसे है मेरे हिसाब से मर जाने चाहिए वो, या कि 4000 भी हमारा 60 का टच हो चुका है अभी। हमारा पहला पोकेमॉन है वो 60 टच हुआ है अभी। कहीं सो यहाँ पर से हमें जाना चाहिए शायद से इस तरफ, क्या लेट्स सी। ओके सो इस बंदे से, ओके यू आर दैट किड फ्रॉम द पोस्टन के, ओ ये फ्रॉम पोस्टन के में मिली थी यार। You are lonesome this time. So क्या हुआ? That's cold, colder than that cavern. Your Pokemon don't even count for anything. We gather data about all the trainers. And you know how the Mega Ring is used to awaken Pokemon powers. Just like how the ultimate weapon can be maxed out the Pokemon's power. Looks like you can me and practically after the same thing. So ये मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं पोकेमॉन पे, क्योंकि उसकी मतलब मैक्सिमम पावर उससे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके होल्ड ऑन इसके पास कितनी डबल का हुआ 46 या सो सर्च से चलते। ओके सो होल्ड ऑन को तो हमने हरा दिया अभी, उसके पास और एक पोकेमॉन है। सो लेट्स सी वो मतलब हमारा एक निंजा भी 59 का होने ही वाला है, क्योंकि विविध है उसके पास। विविध के लिए चारिजार्ड को डाल देता हूँ मैं अभी। ओके विविध प्रेशर है उसके पास, दैट इज इम्प्रेसिव। फ्लेम्बर से मेरे हिसाब से मर जाना चाहिए वो, 48 का है फिर भी या। सो विल को भी हमने डाउन कर लिया अभी। ओके दिन जब हमारा 59 हो चुके और 55 और भी हमारा मतलब सही पोकेमॉन है, उसको हम रखेंगे टीम में। ओके डिंग डॉन्ग यू डिड इट, द विक्ट्री गोज द स्पॉइल हियर। ओके इससे हमें एलिवेटर की मिले हमें, मतलब हम एलिवेटर से हम ऊपर जा सकते हैं अभी। द पावर ऑफ द लेजेंडरी पोकेमॉन, द पावर ऑफ पावर टू स्टील लाइफ फ्रॉम ऑल अराउंड इट, द मिस्ट्री एबिलिटी दैट इवन साइंटिस्ट लाइक अस हैवंट एबल टू रियली डिकोड। ओके मतलब ये भी उस पावर को कुछ समझ नहीं पाए अभी, मतलब क्या ये वो। ओके सो कहाँ पर से जाना है हमें, शायद से इसी तरफ से जाना है। सो मेरे यहाँ आ चुके अभी पर कि आ रहा
So we are elevator. Okay, so basement पे हमें जाना है, basement second पे. So let's see basement पे क्या है उसके. Okay, बहुत नीचे में बना है उसने. Okay, so यह क्या है? मतलब ये हमें मिला था ना ये हमें. Okay. स्टोरी बता रहे अभी टेरिबली लॉन्ग टाइम एगो. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. There was a man and a Pokemon. He loved that Pokemon very much. Okay, so ये मतलब खुद की बात कर रहे हैं मेरे सबसे. The war begin. Okay, Salamence है उसपे. ऊपर क्या वेता लिखा है वो? Solo Rock है. MS में है. मैनेट्रिक है. वेवन है उस पर. बहुत सारे पकवान है यार, मतलब पूरा का पूरा. ओके, सेवरल ईयर पास. ओके, ही वाज गिवन अ टाइनी बॉक्स. मर गया क्या वो पकवान? मेरे हिसाब से लग रहा है मुझे. द मैन वांटेड टू ब्रिंग द पकवान बैक नो मैटर व्हाट इट लुक्स. ओके, मतलब वो पास आउट हो चुका है अभी. मतलब ये बता रहा है वो. द मैन बिल्ड अ मशीन टू गिव इट्स लाइफ. सो मेरे हिसाब से यही होगा अल्टीमेट वेपन. लेट्स सी. ही बॉट हिज बिलव्ड पोकेमॉन बैक. ये कैसे पॉसिबल है यार? मतलब क्योंकि आर्शियस गॉड ऑफ पोकेमॉन है. मतलब इसने एक मरे हो को जिंदा कैसे कर लिया? द मैन हैड सफर्ड टू मच. His range still not have subsided. He could not forgive the world that had hurt the Pokemon he loved. Okay, so वो रहा ultimate weapon. He turned the machine into the ultimate weapon. Okay, so वॉट अ पावर यार. ऊपर के रिटर्न आए यार वो. द मैन बिकेम अ ब्रिंगर ऑफ डिस्ट्रक्शन दैट एंडेड द वॉर. मुझे बात मुझे समझ में नहीं आई कि वो डिस्ट्रक्शन क्यों करना था. मतलब वॉर एंडेड करने के लिए डिस्ट्रॉय क्यों करना? द पोकेमॉन दैट वाज गिवन द लाइफ मस्ट हैव नो. बहुत सारे पोकेमॉन मर गए होंगे उसके लिए. दैट वॉज देयर दैट्स द लाइफ ऑफ मेनी पोकेमॉन वाज वेर टेकन टू रिस्टोर इट्स लाइफ. या क्योंकि एक पोकेमॉन को बचाने के लिए उसने बहुत सारे मतलब लाखों पोकेमॉन को तो उसने डेड कर दिया हुआ. द रिस्टोर्ड पोकेमॉन लिव्ड द मैन. ये फेरी टाइप पोकेमॉन है ना ये यार? मतलब उसका नाम तो नहीं आ रहा है पर ये सब डेड पोकेमॉन्स उनके मतलब फॉसिल्स से उनके मेरे हिसाब से वो रिमेनिंग्स. गेट द की बैक. इट शुड नॉट बी यूज्ड. एवरीथिंग विल वैनिश अगेन. डू यू वांट टू नो अनएंडिंग पेन लाइक आई हैव? सो ये मत मेरे. ओके, ही वाज द सेम नेम एज द किंग दैट लिव 3000 ईयर एगो एंड फॉर सम अननोन रीजन ही हैड द की टू द अल्टीमेट वन हंग अराउंड हिज नेक. It is finally time. Follow me to my chamber. Okay, so मेरे साथ मतलब इस जो ये बड़ा वाला जो एजेड उसका नाम है सो वही है मेरे हिसाब से 3000 ईयर मतलब जिसने अल्टीमेट वेपन को बिल्ड किया था. सो चलते अब बेसमेंट थर्ड में. सो इस साइड पे कुछ है क्या? नहीं, वहाँ पर रेसिपेंट था. ए ओके, सो ये लिसेंडर है और उसके पास और एक बंदा है. ओके, आई एम काउंटिंग ऑन यू. सो ये कुछ तो ओके, वन पुश ऑफ बटन एंड वी कैन एक्टिवेट द अल्टीमेट वन फ्रॉम दिस रूम. आई एम बीइंग
I believe being a chosen one means you have the potential to change the future. Whether we activate the ultimate weapon or leave it safely underground will rest upon if you actually have this potential or not. So, हमें इसको रोकना भी है और मैं डिस्ट्रॉय भी करना है मेरे सबसे अल्टीमेट वीपन को. ओके सो इस बंदे से नाम क्या है उसका एक्सोरिसिक यार क्या नाम उसका वट एवर. ओके क्रोबैट है उसके पास. तो जो क्रोबैट कैसे मिला भाई क्योंकि ट्रेडर पोकेमॉन है जब हम ट्रेड करते हैं तभी हमें मिलते हैं. उसको मिला कैसे यार एक एजेंसी से चलते अभी. ओके इम्प्रेसिव. ओके एक्स सीजर उसके पास है यार. ये कितना डैमेज खाएगा ज़्यादा तो कुछ मतलब ज़्यादा कुछ तो हमें हुआ तो नहीं अभी. ओके सो क्रोबैट तो गया भाई. ओके कि मैलामार उसके पास मैलामार के लिए रहने दो यार. वेट मैंने ये मेला मारे मुझे लगा कि फायर टाइप हुआ यार. ये किस टाइप का पोकेमॉन है याद तो नहीं है. मेला मार सब से चलेगा. लेट्स सी किस टाइप का है यार. ये घोस्ट टाइप लग रहा है मुझे. ओके सुपर पावर. ओके दैट इज इम्प्रेसिव. मतलब पूरी की पूरी उसने हमारी डाउन कर लिया रहती है अगर कुछ हम वन मोर सबसे वो मर जाएगा अभी. ओके सो मेला मार को तो हमने हरा दिया यार. पर कुछ बोलो यार पोकेमॉन सही था ये. ओके गारंट शॉप भी हमारा 51 का हो चुका है. ओके 44 का गैराडोस भी हो चुका है अभी. ड्रैगन डांस अरे नहीं दो. लेट्स कीप ओल्ड मूव्स. ये ड्रैगन डांस से हमें तो मुझे लगता है कि कुछ फ़ायदा होगा क्योंकि उसका ऑलरेडी स्पेशल अटैक एंड स्पेशल मतलब फिजिकल अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं गैराडोस का. सो इट इज़ नॉट वर्थ इट एक्चुअली. इफ यू यूज दैट इनस्क्रिबल पावर वी कैन फाइनली फ्री कैलस फ्रॉम द फुलिश मन दैट प्लेग इट. Behind me, you will find the red button and blue button. One of them is a button for the activating the ultimate weapon. Push one now. Come on, push one. So, जो हम TV में देखते हैं, so let's go with blue one actually. क्योंकि red one actually start के लिए होता है actually. कुछ हुआ क्या? You press it. Oh, you press the blue button. Winner. Congratulations. I'm still going to activate the ultimate weapon. I know the boss promised that we could not win if you press the correct button, but I refuse to let the potential go to the waste. So, इसके बाद रिमोट था इसने चालू कर दिया अभी. चीटिंग करता है तू. मतलब हमने करेक्ट बटन ही प्रेस किया था पर okay, so, यहाँ पर छुपा है अल्टीमेट वीपन. ओके नीचे गए बेबी. ये सॉर्ट की ये क्या भार आया अभी. ओके डिस्ट्रक्शन कितना बड़ा है यार. ये उन्होंने केबल अटैच क्यों किया अभी. ओके अभी अल्टीमेट वेपन है पूरा का पूरा. कितना बड़ा है यार ये. ओह माय गॉड वाओ. ओके अभी तक ये पूरा का पूरा चालू नहीं हुआ क्या. ये भी एक्टिवेट उन्होंने कर दिया पर
स्टार्ट नहीं किया मेरे हिसाब से, क्योंकि वो पिछले जो फास्ट उन्होंने बताया था तब वो एक रे जाती थी ऊपर, अल्टीमेट अल्टीमेट वेपन इज रिबॉर्न, द पॉइजन फ्लावर हैज ब्लूम, ऑल शैल पेरिश एक्सेप्ट फॉर द टीम प्लेयर। ओके, जियोसेंग टाउन में वो द अल्टीमेट वेपन है अभी, सो हमें जियोसेंग टाउन पे जाना चाहिए। सो हम चलते हुए यहाँ पर से तो हम बाहर चलते अभी पहले तो। सो विच फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एक्चुअली। सो हम आ चुके हैं बाहर। सो यही था मेरे हिसाब से उसका लिसेंडर लैब, मतलब लिसेंडर का लैब। सो पहले तो हम चलते हैं कहाँ पर चलना है। ओके, हमें जाना है पोकेमॉन सेंटर में हील करने के लिए। सो फाइनली हम आ चुके पोकेमॉन सेंटर में। सो फर्स्ट हील कर देते हैं पोकेमॉन्स को, और मुझे मेरे हिसाब से कुछ रिव्यूज एंड पोशन मेरे हिसाब से खरीद लेने चाहिए। ओके, सो लेट्स यू बाय एंड सम पोशन एंड अल्ट्रा बॉल्स। फिर हमें मैं लेजेंडरी पोकेमॉन को भी कैच करना है। सो लेट्स बाय अबाउट 30 to 35, मेरे हिसाब से इतने काफ़ी हो जाएंगे, काफ़ी है मेरे हिसाब से 35 पोके मतलब अल्ट्रा बॉल्स। ओके, सो रिव्यू हमारे पास कितने पड़े अभी। ओके, 7 है ना। सो 7 मैं 8 लेता हूँ अभी, 15 हो जाएंगे। सो कूल हिल मेरे हिसाब से कितने पड़े, मेरे 4 ही है, और 6 लेते हैं मतलब 10 हो जाएंगे वो। ऐसे ऊपर चलते हैं। सुपर पोशन, हाइपर पोशन, सुपर पोशन कितने पड़े मेरे साथ, 6 है। सो 4 और लेते हैं अभी। हाइपर पोशन 3 पड़े, सो 2 ले रहे थे अभी। मैक्स पोशन तो गर्द नहीं हमें, मतलब उतनी हमें दिक्कत नहीं आती मैक्स पोशन से। सो सो आज के वीडियो के नहीं, तो अगले वीडियो में हम जाएंगे जॉर्जेस साउंड, और वहाँ पर टिप्लर को जो वेयर हाउस है उसको भी ढूंढना है, और अल्टीमेट वेपन को हमें अभी जो एक्टिवेट हुआ है उसको भी हमें डीएक्टिवेट करके मतलब डिस्ट्रॉय भी करना है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।